नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। श्रीनगर में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। चलिए बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते एक दिन में 7081 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 264 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। वहीं आज उड़ान योजना की भी शुरुआत होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसलमेर के किशनगंज फील्ड में आज अभ्यास के दौरान मोर्टार गोला फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 5 जवान घायल हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि 1 जवान की हालत गंभीर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कड़ाके की ठंड ने पूरे राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जिलों में पारा 0 डिग्री के नीचे पहुंच गया है तो कहीं पर माइनस में पारा चला गया है। वहीं घर के बाहर जो वाहन खड़े हैं उन पर बर्फ की परत जम गई है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ।